हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे मंदिर और धार्मिक स्थान हैं, जिनमें से बहुत से मंदिर अपने चमत्कारों के कारण बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। और ऐसे ही बहुत सारे संत, महात्मा, ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने इन मंदिरों में आराधना करके बहुत सारे देवी शक्तियाँ प्राप्त की है, और उन्होंने इस समाज के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक धार्मिक स्थान की, एक ऐसे ही मंदिर की जिसे बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के बारे में। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नाम के गाँव में स्थित है, और ये बागेश्वर धाम जो स्वयं वो हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। और इस मंदिर के पुजारी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि इस मंदिर के पुजारी हैं, और इन्होंने इस मंदिर में आराधना करके देवी शक्तियां प्राप्त की हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त की है, और इस कृपा से ही वो बहुत से लोगों की परेशानियों का हल ढूंढते हैं, हल निकालते हैं, उनकी परेशानियां दूर करते हैं। इसलिए यहाँ पर हर मंगलवार शनिवार को यहाँ अर्जी लगाने के लिए बहुत से लोग आते हैं। और जो कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो बिना लोगों के बारे में उनसे पूछे ही उनके बारे में बता देते हैं, जैसे उनका नाम, वो कहाँ रहते हैं, उनकी क्या परेशानी है, परिवार में कौन कौन है, ये सभी तरीके की जानकारी वो अपनी देवी शक्तियों के कारण जान लेते हैं और लोगों की परेशानियों का हल ढूंढ के उन्हें बता देते हैं। ऐसा कहा जाता है यहाँ पे जब भी कोई अर्जी लगाने जाता है तो उन्हें एक लाल कपड़े में नारियल बांध के वहाँ रखना होता है। पर आप अगर वहाँ कभी गए हो या कभी जाने का विचार कर रहे हो तो आपको पता हो शायद कि वहाँ पर जो नारियल है वो लाल कपड़े में बांध के रखे जाते हैं, या आपने काले कपड़े, पीले कपड़े में भी वहाँ पर नारियल देखे होंगे। सभी प्रकार के जो कपड़ों में नारियल बांध के रखे जाते हैं उनका एक अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि जो पीले कपड़े में नारियल बांध के रखा जाता है वो शादी और ब्याह के लिए वहाँ रखा जाता है, जिनकी शादी नहीं हो रही है तो वो वहाँ पे पीले कपड़ों में वो नारियल बांध के रखते हैं, और जिनको भूत प्रेत बाधाएं होती हैं वो वहाँ पर काले कपड़े में नारियल बांध के रखते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार से आप वहाँ पे नारियल को बांधे हुए आप देख सकते हैं। बहुत से लोगों की इच्छाएं और मनोकामनाएं तो सिर्फ बालाजी महाराज के दर्शन करने से ही पूरी हो जाती है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने उन्हें 3 अवार्ड से सम्मानित किया है। पहला अवार्ड है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, दूसरा अवार्ड है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूरोप, और तीसरा सम्मान उन्हें दिया गया है संत शिरोमणि। जी हाँ, ये 3 पुरस्कार से, ये 3 सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है, ये 3 अवार्ड उन्हें मिले हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जहाँ कहीं भी अपना दरबार लगाते हैं, लोगों की भीड़ उनके दरबार में लग जाती है और लोग अपनी परेशानियों का हल निकालने के लिए उनके पास पहुँच जाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बहुत ही हंसमुख और काफ़ी खुश मिजाज इंसान भी हैं, जो लोगों को हंसाते हुए लोगों की परेशानियां दूर कर देते हैं। तो ऐसे संत महात्मा जो कि दुनिया में अच्छा काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की परेशानियां दूर करते हैं, ऐसे और संत महात्मा हमारे देश में होना चाहिए जिससे लोगों का भला हो और देश आगे जहाँ पे सनातन धर्म की स्थापना हो सके।